एक जो गहिरा का मामला था कुशवाहा समाज पे, एक अभी ये इन लोगों पे कोल समाज पे हुआ है, एक बच्ची के नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। सिहावल में पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यू नॉन स्टॉप आदिवासी परिवारों पर हमले हो रहे हैं। तो ये कंटिन्यू जो हमले हैं ना आदिवासियों पे होते ही जा रहे हैं, ये ऐसा प्रतीत हो रहा है सिहावल विधानसभा में जंगल राज चालू हो गया है, डर का माहौल चालू हो गया, गरीबों के अंदर आदिवासियों के अंदर असहाय के अंदर डर खौफ बैठता जा रहा है, ये पता नहीं क्या हो। और प्रशासन भी इस पर मुस्तैद नहीं है, प्रशासन भी इस पर संज्ञान नहीं ले रही है। केस हुआ है जिस दिन 9 तारीख को रात को 9 बजे, 10 तारीख को रात को 12 बजे इस पर FIR लिखी गई है। तो ये तो इसका हाल हो गया, जो 15 अगस्त को दुष्कर्म हुआ है और 17 अगस्त को उसमें जो है FIR लिखी गई है, सब जगह यही हाल हो रहा है। तो सिहावल की कंडीशन जो आदिवासियों को लेके है, सिहावल में पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यू नॉन स्टॉप आदिवासी परिवारों पर हमले हो रहे हैं। एक जो गहिरा का मामला था कुशवाहा समाज पे, एक अभी ये इन लोगों पे कोल समाज पे हुआ है, एक बच्ची के नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। तो ये कंटिन्यू जो हमले हैं ना आदिवासियों पे होते ही जा रहे हैं, ये ऐसा प्रतीत हो रहा है सिहावल विधानसभा में जंगल राज चालू हो गया है, डर का माहौल चालू हो गया, गरीबों के अंदर आदिवासियों के अंदर असहाय के अंदर डर खौफ बैठता जा रहा है, ये पता नहीं क्या हो। और प्रशासन भी इस पर मुस्तैद नहीं है, प्रशासन भी इस पर संज्ञान नहीं ले रही है। केस हुआ है जिस दिन 9 तारीख को रात को 9 बजे, 10 तारीख को रात को 12 बजे इस पर FIR लिखी गई है। तो ये तो इसका हाल हो गया, जो 15 अगस्त को दुष्कर्म हुआ है और 17 अगस्त को उसमें जो है FIR लिखी गई है, सब जगह यही हाल हो रहा है। तो सिहावल की कंडीशन जो आदिवासियों को लेके है, आदिवासी परिवार गरीब परिवार को लेके है, वो बहुत ही ख़राब है और वहाँ प्रशासन भी मुस्तैद नहीं है। क्या लगता है आपको कि वास्तव में जो आरोप है वर्तमान विधायक कमलेश्वर पटेल पर, वो सही लगाए गए हैं? देखिए, आरोप तो लगाए ही जाएंगे उन पर, सही हो या गलत हो, क्योंकि जब सीधी की घटना हुई है, मूत्रकांड हुआ था जिसको बोला जाता है, उस पर सिहावल के विधायक, चुरहट के पूर्व विधायक सब लोग ऐसे धरना दे रहे थे, छाती पीट पीट में बोल रहे थे, मामा बुलडोजर चलाओ, इन पे केस दर्ज करो, इनको ले जाओ। मामा ने भी आनंद फानंद में सारी चीज़ें की, उनका जो कर्तव्य बनता है, उनको सम्मान दिया, हाथ पैर धो के बुलडोजर चलाया, NSA लगाया, STSC एक्ट लगाया, तो वहाँ के लिए तो उन्होंने न्याय करा लिया। अब उनके घर के बगल में केस हुआ है, घर में घुस के 7-7, 8-8 लोगों को मारा गया है, तो धरना उनसे नहीं दिया जा रहा है, थकान लग रही है उनको। इनसे मिलने आए थे तो बोल रहे थे मैं भोपाल में था, मुझे जानकारी नहीं है घटना की। तो आप भोपाल में क्या कर रहे थे? अब आपका विधानसभा क्षेत्र सिहावल है, आपका गांव सुपेला है, आप भोपाल में क्या कर रहे हैं? इतनी बड़ी घटना हो गई, आप धरना देने क्यों नहीं आ रहे हैं? पीड़ित परिवार का कहना है कि अभी भी हमें धमकियां मिल रही हैं, हमारी जान को खतरा है, और अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। क्या लगता है, क्या वजह है? आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं तो पीड़ित तो उसके मन में डर तो रहेगा ही कि कितने बड़े दबंग हैं, इनका इनको सपोर्ट किनका है, कि जब आरोपी को पुलिस नहीं पकड़ पा रही है तो फिर से घर जाएंगे तो फिर से इनके साथ यही होगा। तो डर तो रहना ही है, डर लाजमी है, इसमें प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए और जो भी आरोपी है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए, STSC एक्ट के तहत इनको जो है जेल में डालना चाहिए, नान जमानती जमानत नहीं होने वाला वारंट है, उसमें तुरंत इनको गिरफ्तार करना चाहिए। धारा 307 पर मुकदमा नहीं लगा है जबकि 17-18 टांके सर में लगे हैं, वही तो टांगे से हमला किया गया है, समझिए FIR में भी हेर फेर है, दूसरे दिन FIR दर्ज हो रही है, FIR में भी हेर फेर है, 3 लोगों का नाम लिखा गया है, 7 लोग मारने गए थे, उसमें कोई एक सरकारी कर्मचारी मास्टर भी हैं, तो ये तो सस्पेंड होना चाहिए, तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए, क्यों नहीं कर रहे हैं, प्रशासन की क्यों लापरवाही है पता नहीं।